अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है सब ठीक और खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक। कैसे गुज़र रहे हैं आप सब लोगों के रोज़े। उम्मीद है बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे। मैं आज आप सब लोगों के लिए पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। चले आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कप बेसन ले लिया था और उसमें हस्बे ज़रूरत आपने नमक डाल देना है। मैंने हाफ चम्मच नमक डाला था, एक चम्मच रेड चिली, और फिर हमने इसको पानी डाल के मिक्स कर लेना। एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था और एक लार्ज साइज़ का आलू ले लिया था और उसको ब्रिक ब्रिक कट कर लिया था। अब हम इसको बेसन में मिक्स कर देंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा खुश्क धनिया डालेंगे। एक चम्मच जीरा डालेंगे, दो ग्रीन चिली डालेंगे, अब हम इसमें थोड़ा सा अनारदाना डालेंगे, अब हम इसमें थोड़ी सी पालक डालेंगे, पालक से पकोड़े सॉफ्ट बनते हैं। मैं और मेरी अम्मा हमेशा हाथ से पकोड़े डालते हैं क्योंकि हाथ से ज़्यादा अच्छे शेप में बनते हैं, चम्मच से नहीं। तो मैं अब गरम गरम तेल में पकोड़े डाल रही हूँ। ये देखें हमारे पकोड़े माशाल्लाह से तैयार हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बने थे, क्रिस्पी क्रिस्पी, बहुत ही मज़े के बने थे। आप लोग भी लाजमी घर में ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।